अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बार 2 एंड 3। हमने कुछ ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 50 से छोटे हों और 2 के भी मल्टीपल्स हों और 3 के भी मल्टीपल्स हों। जैसे कि 2 है, 2 को हम देखें तो 2 जो है 2 का मल्टीपल्स है लेकिन 3 का मल्टीपल्स नहीं है। 3 को देखें तो 3 जो है 2 का मल्टीपल्स नहीं है, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है। 6 देखें तो 6 जो है 2 का भी मल्टीपल्स है और 3 का भी मल्टीपल्स है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6। आगे 7 को देखें, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। आगे फिर 12 को देखें, 12 2 का भी मल्टीपल्स है और 3 का भी मल्टीपल्स है। तो आपको एक आसान तरीका बताऊं कि आपने वो मल्टीपल्स लिखने हैं जो इन दोनों के हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो आप क्या करेंगे, 6 के मल्टीपल्स लिख लें तो आपका एक आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं 6 का मल्टीपल लिखा 6, फिर आगे 6 का सेकंड मल्टीपल 12 होगा, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24। अगर हम इनको देखें, ये 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 18 भी 2 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा। 24 के बाद आएगा 30, 30 के बाद 36, 36 के बाद 42 और फिर 48। अगर हम इससे आगे जाएं तो 54 होगा, तो 54 जो है वो 50 से बड़ा हो जाएगा और हमने जो मल्टीपल लिखने थे 50 से लेस लिखने थे, तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 6 आ रहा है, तो हमने 6 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं। जो 6 के मल्टीपल्स होते हैं वो 2 के टेबल में भी आ रहे होते हैं और 3 के टेबल में भी आ रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 11। हमने क्या करना है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हमने ये बताना है कि 2, 3, 5 और 11 ये नंबर्स किसके साथ डिविजिबल हो रहे हैं इनमें से। तो सबसे पहले 105 है, 105 को देखते हैं। तो पहले हम एक बार डिस्कस कर लें, जो 2 है 2 उसके साथ डिविजिबल होता है जिसके एंड पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। आसान लैंग्वेज में हम देखेंगे, जो 2 है वो इवन नंबर हो तो हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। तो ये जो है वो ऑड नंबर है तो ये 2 के साथ नहीं होगा, ठीक है। अगर हम 3 को देखें, 3 के साथ 3 3 आर 9 हो जाएगा, 1 कैरी इधर जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, 3 5 आर 15, तो ये 3 के साथ डिविजिबल हो रहा है। तो हम लिख लेते हैं डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब अगर 5 को देखें तो 5 उसके साथ डिविजिबल होता है जिसके एंड पे 0 आ जाए या 5 आ जाए। तो इसके एंड पे 5 आ रहा है तो इसका मतलब है ये 5 के साथ भी डिविजिबल हो रहा है, तो हम 5 भी लिख लेते हैं। आगे 11 के साथ चेक कर लेते हैं, अगर 11 का टेबल हम 9 तक पढ़ें तो 99 आता है, और अगर हम 11 10 और 110 हो जाता है तो ये जो है वो 11 के टेबल में नहीं आ रहा, ये 11 का मल्टीपल्स नहीं है। तो ये जो है डिविजिबल हो रहा है सिर्फ 3 के साथ और 5 के साथ, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में है 2091, पार्ट 2 है 2091, तो ये 2 के साथ तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके एंड पे 1 आ रहा है, ये एक ऑड नंबर है, इवन नंबर हो तो हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। 3 के साथ देख लेते हैं, 3 के टेबल पर 6 तक 18 आ जाएगा, 2 कैरी उधर चला जाएगा, ये 29 हो जाएगा, 3 9 आर 27, फिर 2 कैरी उधर जाएगा, 21 हो जाएगा और 3 7 आर 21, तो ये 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। अगर हम सिंपली ऐसे डिवाइड करके देख लें तो फिर भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 6 आर 18, सब्सट्रैक्ट करें 2 आ जाएगा, 9 ऊपर से उतारें, 3 9 आर 27, फिर सब्सट्रैक्ट करें 2 1 ऊपर से का उतारें, 3 7 आर 21, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये देखें पूरा पूरा डिवाइड हो गया 3 के साथ, तो हम कहेंगे ये डिविजिबल हो रहा है 3 के साथ, डिविजिबल बाय 3। अब आगे देखें 5 के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा क्योंकि 5 के साथ वही हो सकता है जिसके एंड पे 0 या 5 आ जाए, ठीक है, तो ये 5 के साथ नहीं होगा। 11 के साथ चेक कर लेते हैं, तो हम इस तरह कर लेते हैं, इसकी कटिंग करके देख लेते हैं, 2091 को 11 के साथ कट करके देख लेते हैं, 11 ये देखें 11 1 और 11 9 कैरी उधर जाएगा, 11 9 और 99 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1 बच रहा है, ठीक है।
तो वो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे ये 11 के टेबल में नहीं आ रहा, ये सिर्फ 3 के टेबल में आ रहा है। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे 1331, ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। 3 के टेबल में चेक कर लेते हैं, 3 4 12, 1 कैरी उधर जाएगा, फिर ये 13 हो जाएगा, 3 4 12, फिर 1 कैरी उधर जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये 3 3 9 होगा, 2 बच जाएगा। तो ये 3 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, 5 के साथ भी नहीं होगा। 11 के साथ चेक कर लेते हैं, 11 2 कैरी उधर जाएगा, 23 हो जाएगा, 11 2 22, 1 कैरी उधर चला जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 11, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको ऐसे चेक भी करके दिखा देता हूँ, 13 31, तो 11 के साथ देखें, 11 11 11 11, ये 2 कैरी उधर चला गया, ये 23 हो गया, 11 2 22, 1 कैरी उधर चला गया, 11 11, तो ये देखें 121 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम कहेंगे ये डिविजिबल सिर्फ हो रहा है 11 के साथ। पार्ट 4 है 997, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। 3 के साथ चेक कर लेते हैं, 3 3 9 3 3 9, तो 7 होगा, 7 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 के साथ भी नहीं जाएगा। 5 के साथ चेक करें तो 5 सिर्फ उसके साथ डिवाइड होता है जिसके एंड पे 0 या 5 आ जाए, तो ये 5 के साथ भी नहीं जाएगा। 11 के साथ चेक कर लेते हैं, 11 9 99, 7 बच जाएगा, तो ये 11 के साथ भी डिवाइड नहीं होगा। हम ये लिख देंगे divisible by none of them, ये किसी के साथ भी डिवाइड नहीं हो रहा। और एक पार्ट जो रह गया वो आप खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, हमने मल्टीपल्स बताने हैं। पहला पार्ट है 21 बिटवीन 100 एंड 200, हमने 21 के मल्टीपल्स बताने हैं जो 100 और 200 के दरमियान हों। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 21 को का टेबल 5 का पढ़ के देख लेते हैं। तो 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, 5 1 5 5 2 10, तो ये देख रहे हैं 105 बन गया। तो ये पहला मल्टीपल जो होगा 105 होगा। अगर हम 4 के साथ करें तो कम हो जाएगा 100 से, हमने 100 से ऊपर और 200 से नीचे वाले लिखने हैं। तो अब देखें, अब 6 के साथ देखेंगे तो हमें बार बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि 21 को 105 में ऐड करेंगे तो वो 6 का टेबल आ जाएगा। तो हम इसमें अब ऐड करते जाएंगे, ये 105 था, 21 6 आ जाएगा 126, 7 के साथ आ जाएगा 147, 21 ऐड करते जाएं, फिर 21 ऐड करें तो आ जाएगा 168, और फिर ऐड करें तो आ जाएगा 189, फिर 21 ऐड करेंगे तो ये 210 हो जाएगा। तो हमने 200 से कम वाले लिखने थे। तो अगर आप एक का टेबल पढ़ लेती हैं, फिर आप 21 जो जिसका भी आपने मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हो उतने यहाँ आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ आप मल्टीप्लाई भी कर सकती हैं, लेंथ ही हो जाएगा। तो आप क्या करें कि 21 फिर ऐड करते जाएं, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब एक और पार्ट करते हैं, पार्ट 2 है 27 बिटवीन 150 एंड 250, हमें 27 के मल्टीपल बताने हैं जो 150 और 250 के दरमियान हैं। तो सबसे पहले हम इसका टेबल पर के देख लेते हैं, 27 का 5 के साथ ये 135 आ रहा है, 150 से कम आ रहा है। हम क्या करेंगे, आप 6 का टेबल पढ़ेंगे तो जब हम 27 ऐड करें इसमें 135 में तो आ जाएगा 162। तो 6 के साथ पहला मल्टीपल आया है जो 150 के ऊपर है, तो फिर अगला मल्टीपल होगा 27, हम मजीद ऐड कर लें तो आ जाएगा 189, 27 मजीद ऐड करें 216, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 243। तो अगर आप देखें, अब हम एक और मल्टीपल लिखेंगे तो ये 250 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारा आंसर इतना ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर 11 से डिविजिबल हो रहे हैं, 11 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारे पास दो मेथड है, हम इनको डिवाइड भी करके देख सकते हैं 11 के साथ, या हम कटिंग करके दे सकते हैं। पहले हम डिवाइड करके देख लेते हैं, एक देखें 16 61, तो 11 के साथ डिवाइड करें तो 11
वन अलेवन फाइव बचेगा, सिक्स ऊपर से नीचे उतारें, अलेवन फाइव बाई 55, वन ऊपर से उतारें, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करें वन ऊपर से उतारें, तो ये अलेवन वन आर अलेवन, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 151 के साथ, तो ये हम कह देंगे ये विजिबल हो रहा है अलेवन के साथ, यस लिख देंगे। अब आगे वाला पार्ट करते हैं, अब हम इसे कटिंग के साथ करेंगे, आपको जो सा मेथड आसान लगता है आप उसके साथ कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं या कटिंग भी कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करके देख लेते हैं, अलेवन के साथ कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अलेवन वन आर अलेवन, अलेवन फोर आर 44 होगा, यहाँ से 10 बच जाएगा, तो 10 इसके साथ लग जाएगा, ये बन जाएगा 102, तो ये जाएगा अलेवन नाइन आर 99, तो फिर 3 कैरी इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 34, अलेवन टू आर अलेवन थ्री आर 33, वन कैरी इधर जाएगा, 10 जो है अलेवन के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये जो है इसे हम कह देंगे ये नो, ये डिवाइड नहीं हो। अब हम पार्ट थ्री में करके देख लेते हैं, पार्ट थ्री को भी कटिंग के साथ कर लेते हैं, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है मेथड, लेकिन आपको जो उनसे आसान लगता है आप कर सकते हैं। अलेवन वन के साथ जाएगा, अलेवन अलेवन फोर कैरी इधर चला गया, ये 43 हो गया, अब जाएगा 3 के साथ 33 हो जाएगा, तो 10 इधर आ जाएगा, अलेवन नाइन आर 99, टू कैरी इधर चला जाएगा, तो ये 25 है, ये भी 11 के टेबल में नहीं आ रहा, तो हम कह देंगे ये भी नो है। जो बाकी पार्ट बच गए हैं वो भी इसी तरह आपने खुद करने हैं। आज हमने एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक किया है, अगले लेक्चर में जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं हम वो करेंगे। आपने क्या करना है कि आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है जो आपने पढ़ा है, और इसे नोटबुक पे लिखना है और स्कूल में सबमिट भी करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।